तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 11th का क्लास है जो पार्ट 2 है। तो हम पिछले क्लासेस में टोनल शेड को सीखा था, हम कैसे टोनल शेड को करना है उसको सीखा था हम पिछले क्लासेस में। तो आज की क्लास में उसका जो नेक्स्ट वाले पार्ट है उसको हम सीखेंगे विद एग्जांपल। तो उसका फ़ायदा क्या होता है उस सभी को हम आज की क्लास में लर्न करेंगे। तो आप चैनल पर नहीं हो तो लाइक कर दो, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो, और सीधा इधर आया तो मैं प्लेलिस्ट में ऑल ड्राइंग क्लासेस को भेज चुका हूँ, आप जल्दी जल्दी जाके उसको भी चेकआउट कर दो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो। तो देर करके बिना आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो उसका नेक्स्ट होता है हैचिंग। तो हम हैचिंग को करते पहले हम इसका जो हॉटस्पॉट शेड होता है यानी ब्राइट शेड होता है उसको मार्क कर लेंगे। तो एक लाइन के मदद से हम जो शेडिंग करते हैं उसको बोलते हैं हैचिंग। तो एक लाइन के मदद से हम कर सकते हैं शेडिंग, और आप इसमें आपका टिप जो होता है उससे भी आप बना सकते हैं इधर। तो उसके अलावा हम ऐसे भी बना सकते हैं हैचिंग को, जो एक लाइन से फॉर्म होता है शेडिंग उसको बोलते हैं हैचिंग। तो इसमें भी क्या है, तो आप जहाँ पे डार्क करना चाहिए यानी डेप दिखना चाहिए उससे भी आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं इधर हैचिंग को एक लाइन के थ्रू। और जो भी एक्स्ट्रा जाता है उसको जाने देंगे, उसके बाद हम उसको इरेज करेंगे। तो इसको बोलते हैं हैचिंग। तो हैचिंग पे आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन एक लाइन पे जाना है, आप किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं बट एक लाइन से जाना है हैचिंग पे। जैसे इसका फॉर्म है, हैचिंग को इस तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ ये मैटर होता है आउटपुट कैसे आता है। और आप इसको ग्रेडियंट देना चाहिए कि ग्रेडियंट जो होता है डार्क सेलेक्ट जो होता है वो होता है ग्रेडियंट, तो आप उसको आउटपुट कैसे लाते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। और जो इसका आउटलाइन होता है वो बिल्कुल शार्प रहना है। और इसके बाद जो इसका शेड है उसको भी हम क्रिएट करेंगे। तो शेडो कभी तो अपोजिट साइड में होता है, तो इसको हम जैसे हैचिंग पे शेडिंग करेंगे। तो जैसे हम हैचिंग सीखा, तो इसके बाद जो होता है क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग क्या होता है हम अब जान लेंगे। तो हम पहले जो इसका हॉटस्पॉट है उसको बना लेंगे, एक जो मिडल पॉइंट है अपर के पार्ट जो होता है जो ऊपर से लाइट आ रहा है, तो ब्राइटनेस पार्ट जो होगा हॉटस्पॉट उसको मार्क कर लेंगे। तो हैचिंग पे और क्रॉस हैचिंग पे बहुत ही डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सिमिलर ही है। और हम इसको पहले हैचिंग की तरह कर लेंगे कि जो लाइन्स के फॉर्म होते हैं, तो हम हैचिंग की तरह कर लिया। तो उसके बाद हम किधर डार्क करना है उसको हम अब डार्क कर सकते हैं इधर, आप देख सकते हो जैसे इसका नाम है वैसे ये काम भी है कि क्रॉस हैचिंग जो होता है हम क्रॉस पे और किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। आप किसी भी एक स्ट्राइट लाइन डायरेक्शन दे सकते हैं इधर। तो इसमें स्ट्रोक्स बता चलता है क्रॉस हैचिंग पे। तो हम जो इसका शेड है उसको भी कर लेंगे अब।
और जो हम इधर हैचिंग किया तो उसका एग्जांपल देख लेंगे एक। वो हमारा जो कोकोनट ट्री का शेप है उसको वो हो गया। तो हम इस पर जो इधर हैचिंग किया तो हम इस पर वर्क करेंगे कि आप देख सकते हो एक ही डायरेक्शन एक लाइन से। जो मैंने इधर इधर से लाइट का जो ब्राइट डायरेक्शन होता है हॉटस्पॉट मैं इधर से लिया हूँ तो इधर लाइट होगा। तो हम इसका डब स्ट्रक्चर देंगे कैचिंग पे, जिधर हम डार्क करना चाहते हैं उस पे हम डार्क कर सकते हैं। इधर हैचिंग पे जो बाहर का पार्ट होता है वो होता है लाइट। हम इससे जो मैकेनिकल पेंसिल होता है उसको यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छे से टेक्सचर आ जाएगा हैचिंग के लिए, हैचिंग यानी क्रॉस हैचिंग करने के लिए। जो तो ये हुआ, तो इसके बाद जो इसका यूज़ होता है उसको भी हम ड्रॉ करेंगे एक सिंपल तरीके से जो हैचिंग की मदद से। ये भी एक तरीका है हैचिंग के लिए। तो जैसे हम इधर कर रहे हैं जो अंदर के पार्ट होते हैं वो बहुत ही डार्क होते हैं तो बाहर जाते जाते ही थोड़ा सा ब्राइट हो जाएंगे। ये हमारा कोकोनट ट्री हैचिंग की मदद से जो बन गया इधर। और उसके बाद और एक एग्जांपल, तो हम इधर जो रफ का पार्ट होता है जो एक ब्रांच हो तो किसी भी, तो ये वो हमारा एक जो ट्री होता है तो हम डार्क सेलेक्ट करेंगे हैचिंग के थ्रू। हम क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं इधर। जो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग होता है वो ट्री सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे से टेक्सचर आ जाएगा। हम इसको यूज़ किया तो उसको ड्रा करने के लिए, और जो हमारा प्लांट्स यानी कुछ भी हम क्रॉस हैचिंग यूज कर सकते हैं। और जो इसको ऊपर वाले पार्ट होता है उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे हम ये जो रफ केच था कोकोनट ट्री को हम हैचिंग की मदद से किया था तो हम उसको क्रॉस हैचिंग से भी कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हो तो ये बन गया। और इसके बाद जो एक छोटा सा एग्जांपल क्रॉस हैचिंग के, वो हम जब 3D रंग करते हो तो जो आप मैक्स टेक्स्ट बुक जो होता है उसको खोल के देखो आपको बहुत सारे जो क्रॉस हैचिंग और हैचिंग के मदद से मिलने वाली फ़ोटो बहुत ही मिल जाएगा आपको, जो डायग्राम्स होते हैं आपको मिल जाएगा। तो हम इसको क्रॉस हैचिंग पे करेंगे, जैसे हम पहले इसको हैचिंग पे करेंगे। हम इसको हैचिंग कर दिया तो उसके बाद हम इसको क्रॉस हैचिंग करेंगे, जैसे एक अलग ही टेक्स्चर मिल जाता है इधर। तो ये जो पार्ट होता है जो लाइट होता है उसका अपोजिट पार्ट हो, तो ये जो पार्ट होता है वो लाइट के अपोजिट होता है तो थोड़ा सा डार्क ही रहने देंगे।
तो उसके बाद ये होता है लाइट, जो कि नीचे का पार्ट है, तो हम सिर्फ इसे करेंगे। और इसका जो टॉप के पार्ट होता है ये सिर्फ बिल्कुल लाइट, तो इसके बाद आप इसे भी कर सकते हैं। आपको डिटेल क्रॉस हैचिंग दिखाना चाहिए तो इसके बाद जो इसको किसी भी प्लेस पे रखा हो उसको भी हम क्रॉस हैचिंग पे कर सकते हैं। जैसे हम इधर एक हैचिंग बना दिया, तो ये हुआ हमारा क्रॉस स्टिचिंग का एक छोटा सा एग्जांपल। और जो इसको हम किसी भी फेस ड्राइंग से भी यूज़ कर सकते हैं, फेस ड्राइंग पे भी यूज़ कर सकते हैं कि हमको एक डार्क स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो हम जो इधर करें आप देख सकते हो, पहले हम इसे कर सकते हैं, तो उसके बाद जो होता है ऐसे जो टेक्सचर होता है। इसको भी कर सकते हैं, फेस रंग पे यूज़ कर सकते हैं हम इधर। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा करिए तो बहुत ही एक आपको अलग ही टेक्सचर मिल जाएगा, अलग ही एक व्यू मिल जाएगा आपको। तो जैसे इसका स्किन टेक्सचर मिल रहा है वो आप इस पर भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आज की क्लास हैचिंग और क्रॉस हैचिंग, हम पूरा का पूरा कम्प्लीटली एक एग्जाम्पल के साथ सीख लिया हम। तो आप किसी भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप किसी भी यूज़ करते हो तो मैं इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी मेरा जो लिंक है मैं भेज चुका हूँ, आप जल्दी जल्दी आके उसको भी फॉलो कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक सेफ रहे, कुछ रहे, धन्यवाद गाइस, बाय बाय, थैंक यू।